नमस्कार दोस्तों, मैं राम आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है ये मेरा जो पिछला वीडियो था इटली के जो पेपर्स हैं जो खुले हुए हैं अभी उनको लेकर जो वीडियो बनाया था उसी में आगे ये वीडियो मैं और ऐड कर रहा हूं। तो जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने बताया कि इस बार के पेपर में लवोरो सुबोर्डिनातो यानी वो परमेश्वर दी सजोर्नो वो वर्क परमिट जो यहाँ का परमानेंट वर्क परमिट होता है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए 6,000 का कोटा अलग से फिक्स किया गया है। लेकिन मैंने उसमें कहा कि 2012 की तरह, तो उससे कुछ लोगों को थोड़ी गलतफहमी हो गई कि 2012 में डोमेस्टिक का भी था, गोल्फ बदान्ती डोमेस्टिक ये वाला सारा सब कुछ था। लेकिन इस बार है वो चेंज इतना हुआ है कि परमेश्वर दी सोजोर्नो है वो आपको मिलेगा लवोरो सुबोर्डिनातो का यानी परमानेंट, उसको कन्वर्जन कराने की जरूरत नहीं होगी, वापस उसे कन्वर्ट नहीं कराना पड़ेगा। लेकिन उसमें डोमेस्टिक वाला नहीं है, गोल्फ बदान्ती वाला पार्ट नहीं है उसमें। उसमें केवल 3 ही सेक्टर हैं जो इंक्लूड किए गए हैं। तो उन 3 में से भी यदि हम अपनी बात करें इंडियंस की तो हमारे लिए 2 ही बचते हैं, क्योंकि 3 जो है, पहला है वो है ऑटो ट्रांसपोर्टी यानी जो बड़ी कंपनियां हैं जो जैसे ट्रक वगैरह चलाते हैं उनके लिए, तो उनमें ड्राइवर्स का एक तरह से, तो वो है वो केवल कुछ ही देश हैं जिनको उसमें इंक्लूड किया गया है, क्योंकि उनका जो लाइसेंस है वहां का वो यहाँ पर वैलिड है, अपना लाइसेंस यहाँ पर वैलिड नहीं है तो वो हमारे लिए है ही नहीं। जो ऑटो ट्रांसपोर्टी वाला है उसमें अल्जीरिया है, मारोको है, मोल्दाविया है, श्रीलंका है, तुनिसिया, उक्राइना और माचेडोनिया, केवल इन्हीं देशों के लोग हैं वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, हमारे लिए नहीं है। बाकी 2 बचते हैं, एक है एडिलिसिया यानी जो बिल्डिंग लाइन का काम है उसमें, जो भी मुरातोरी वाला काम है, कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो अप्लाई कर सकती है, उसमें इंडियंस को भी शामिल किया गया है, इंडियंस उसमें आ सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी, और दूसरा है टूरिज्म वाले, होटल, बड़ी होटल अल्बेर्गी, टूरिज्म अल्बेर्गियरो, ये यानी 2 कैटेगरी हैं जिनमें लवोरो सुबोर्डिनातो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और है वो सीजन वाला है, वो आपको पता ही है जो हर साल होता है वैसा ही है, खेती और टूरिज्म ये रेस्टोरेंट वाला। लेकिन सुबोर्डिनातो है उसमें केवल ये 2-3 चीजें हैं वैसे तो होने को, ऑटो ट्रांसपोर्टी, टूरिज्मो अल्बेर्गियरो और ये बिल्डिंग लाइन वाला। लेकिन ऑटो ट्रांसपोर्टी में जो ड्राइवर है वो हमारा शामिल नहीं है उसमें, उसमें केवल ये 4-5 देश जो मैंने बताए वही हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन मैं आप सबके का दूर करना चाह रहा था, क्योंकि काफी इसको लेकर सवाल भी थे और काफी कॉल भी आ गए कि क्या डोमेस्टिक का अप्लाई कर सकते हैं, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो डोमेस्टिक का नहीं है इसमें। अभी इसके फॉर्म हैं वो वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, तो आप फॉर्म देख सकते हैं, वहां पर लवोरो सुबोर्डिनातो वाला है वो अलग है फॉर्म, और जो स्टाजियोनाले का है वो पहले जैसा था वैसा ही है, मोदुरोची, और जैसा कि आप अभी देख भी रहे हैं इस स्क्रीनशॉट में जो मैं दिखा रहा हूँ, इसमें ये वाला है ये लवोरो सुबोर्डिनातो का है और ये मोदुरोची आपका होता ही है, कन्वर्जन का है, ये सारे सब कुछ हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके जो शंकाएं हैं वो इस वीडियो से दूर हो गई होंगी, आपको ये वीडियो अच्छा लगे, मेरी तरफ से दी गई जानकारियां अच्छी लग रही हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके कोई सवाल हो तो वो कमेंट में पूछिए, मैं इसी तरह से आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा जो मैं जानता हूँ या मैं कहीं से उसकी जानकारी लेकर के आपको देने की कोशिश करूंगा। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।